आई एम डन विद दिस जॉब यार। तेरे ऑफिस में कोई वैकेंसी है क्या? प्लीज मुझे बता दे। मैं कैसे इस मीटिंग को अवॉइड कर दूं? अगर आप यहां तक पहुंच गई हैं इस वीडियो में, देन आई गेस यू आर लुकिंग फॉर अ रीजन टू चेंज योर जॉब। रीजन नंबर 11। हम सभी की लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स होंगे जो हमारे लिए टॉक्सिक हैं। वी डोंट फील नाइस और वैल्यूड इन बीइंग देम। हमें वो बंदिश लगने लगते हैं। सिमिलरली आजकल ये टॉक्सिक और नेगेटिव बिहेवियर्स हमारे प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट में भी दिखते हैं। तो अब क्या करें? वी कांट जस्ट वेक अप एंड डिसाइड टू लीव दैट जॉब, राइट? सो आई एम हियर टू शेयर विद यू 11 रीजंस व्हाई यू शुड क्विट योर जॉब, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में। सबसे पहला रीजन, आपको काम पर जाने से डर लगता है। अभी तो लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमें ऑफिस एक्चुअली जाना नहीं होता, पर अगर वो सुबह की फर्स्ट मीटिंग में सुबह सुबह एक्सक्यूजेस सोच रहे होते हैं, आप कोशिश कर रही होती हैं कि मैं कैसे इस मीटिंग को अवॉइड कर दूं, देन दैट्स अ रीजन फॉर यू टू रिकंसिडर कि आप खुश नहीं हैं उस जॉब में। रीजन नंबर 2, आप काम से भाग रही हैं। वो मॉर्निंग मीटिंग में जो भी आपको काम मिलता है, यू फाइंड आउट वेज टू रन अवे, और या फिर आप अपने फोन पर इंस्टाग्राम खोल लेती हैं, अपना काम किसी और को डेलीगेट कर देती हैं। आपका दिमाग आपको मैनिपुलेट करता है इन डूइंग समथिंग एल्स। व्हाई? इसके भी दो कारण हो सकते हैं। शायद आपको काम से खुशी नहीं मिल रही हो, या फिर आपको वो काम इसलिए पसंद ना हो क्योंकि आप ये बिलीव करती हैं कि आप इससे बेहतर काम डिजर्व करती हैं। देन दैट्स ऑल्सो अ रीजन फॉर यू टू कंसिडर। नंबर 3, आप बहुत बीमार रह रही हैं। अब बीमारी का मतलब जरूरी नहीं कि हम हॉस्पिटल बेड में पहुंच जाएं, पर अगर आपके दोस्त आपको वीडियो कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे पर तो डार्क सर्कल्स बहुत हैं, या फिर वॉशरूम में बालों के गुच्छे पे गुच्छे मिल रहे हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं आपके, नींद नहीं पूरी हो रही है और आप दिन भर एंग्जाइटी फील करती हैं। रीजन नंबर 4, आपके काम के बारे में बस बुरा बोलती हैं या फिर कंप्लेन करती रहती हैं। अब मेरे दोस्त मुझे कॉल करके ये सभी बातें बोलते हैं। अगर मैं उनसे पूछ लूं कि हाउ इज देयर जॉब, यार वही चल रहा है, सेम ओल्ड सेम ओल्ड। कुछ दोस्त तो ये भी बोलते हैं, मुझे तो आज ही छोड़ना है, आई एम डन विद दिस जॉब यार। तेरे ऑफिस में कोई वैकेंसी है क्या? प्लीज मुझे बता दे। पर लास्ट में इस पूरी कॉन्वर्सेशन के एंड में ये बोल देती हैं कि कम से कम पैसे तो दे रही है ना, एटलीस्ट आई एम एबल टू पे माय बिल्स। देन दैट्स अ वेरी सीरियस रीजन फॉर यू टू कंसिडर। रीजन नंबर 5, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। इसका मतलब आप बहुत टाइम से या तो सेम रोल में या फिर सेम तरीके का काम कर रही हैं और कोई चेंज नहीं है। आप ऐसा फील करती हैं कि जैसे मानो आप स्टक हैं या यू आर ट्रैप्ड। ना आपको फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है, ना ही कोई अप्रेजल और ना ही कोई प्रोफेशनल ग्रोथ। यानी कि आप कुछ नया या तो सीख नहीं पा रही हैं और अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव नहीं कर पा रही हैं। नंबर 6, एंड दैट्स अ वेरी कॉमन वन, आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर रही हैं, बस हर वक्त काम। मेरे पापा तो मुझे कई बार ये भी बोलते हैं कि शायद मैं दुनिया की सबसे बिजी इंसान हूँ। व्हाई आर यू सो ओवरवर्क्ड ऑल द टाइम? आई डोंट हैव एनी टाइम टू चिल और एंजॉय। अगर आप अपनी मेहनत की सैलरी से एक दिन भी अपने लिए नहीं निकाल पा रही हैं, देन दैट्स ऑल्सो अ वेरी सीरियस रीजन। नंबर 7, आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी है। अगर आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में आपको बस नेगेटिव फीडबैक या फिर आपके काम के लिए जीरो अप्रिसिएशन मिल रही है, या फिर आपको बस आपकी गलतियों पर जज किया जा रहा है, आपकी कमियों पर ही बात की जाती है पर आपकी स्किल्स पर या आपके अच्छे परफॉर्मेंस पर कोई बात नहीं की जाती, या फिर जानबूझकर आपको वही काम दिया जाता है जो शायद आपको उतने अच्छे से नहीं आता, या यू आर जस्ट लर्निंग एंड योर एक्चुअल स्किल सेट, वॉट यू आर रियली गुड एट, नॉट बींग वैल्यूड और यूज्ड एट ऑल। रीजन नंबर 8, यू कांट स्पीक अप एट योर जॉब। जब भी आपने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की और अपनी बात कहने का ट्राई किया, तो उसे वैल्यू ही नहीं किया गया। आपके ओपिनियन को हर बार आपके मेल कॉलिग्स के ओपिनियन से कंपेयर किया गया, जस्ट बिकॉज दे आर मेन। आपके ओपिनियन को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई। रीजन नंबर 9, और इसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा, ऑफिस पॉलिटिक्स।
अक्सर हमें ऐसे मैनेजर्स मिल जाते हैं या ऐसे कॉलीग्स जो हमें जानबूझकर ऊपर नहीं बढ़ने देते या फिर हमारे काम का क्रेडिट ले लेते हैं कि ये तो मेरा ही आइडिया था। यू नो इट कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो आप अपनी जॉब में रॉक कर देंगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी ही तो नहीं मिल रही है। कुछ टॉक्सिक कॉलीग्स तो ऐसी भी हो सकती हैं जो मीठी छुरी यानी कि फ्लैटरी यूज करके आपसे काम तो कम करती हैं लेकिन आगे बढ़ जाती हैं। कैसे? बॉस की तारीफ करके। नाउ दैट कैन गेट वेरी हेक्टिक इन योर हेड। रीजन नंबर 10, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक पहुँच गई हैं इस वीडियो में, देन आई गेस यू आर लुकिंग फॉर अ रीजन टू चेंज योर जॉब। सो आई गेस एंड आई होप दैट यू गॉट योर आंसर। रीजन नंबर 11, इफ यू नो यू नो। इसका मतलब कि कभी कभी हम ऊपर के सभी पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए उनके होने के बावजूद भी नौकरी कर लेती हैं, लेकिन सभी का एक टॉलरेंस लेवल होता है जो हमें अंदर से पता होता है। दैट्स वाई व्हेन आवर टॉलरेंस लेवल हिट्स दैट मार्क, दैट्स व्हाट आई मीन बाय इफ वी नो, हम समझ जाती हैं कि अब यहां से बाहर निकलना हमारी ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब हर रिलेशनशिप में ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक तो होती ही रहती हैं, लेकिन हम रिलेशनशिप तोड़ तो नहीं देते ना, लेकिन उसके बारे में एक्सप्रेस तो कर ही सकते हैं। सिमिलरली अगर वो छोटी मोटी नोक झोंक या ऊपर दिए हुए 11 रीजंस के अलावा भी आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है जिससे कल सुबह उठकर आप कुछ डिसीजन तो नहीं ले सकती, लेकिन हमारे साथ वेंट तो कर ही सकती है ना, अपने इमोशंस शेयर तो कर ही सकती है ना। सो गर्ल्स, जोश टॉक्स आशा की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जितना वेंट करना है कर लीजिए। टेल अस अबाउट द चैलेंजेस यू फेस एंड द प्रॉब्लम्स दैट यू आर अनेबल टू सॉल्व एंड वील ट्राई एंड मेक श्योर टू गेट बैक विद अ सॉल्यूशन वीडियो।